डायरेक्ट असेसमेंट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ बुलेम होसा जब भी हम डायरेक्ट असेसमेंट की बात करते हैं तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट सो फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट में डेफिनेटली हम कोई ना कोई स्केल यूज करेंगे कोई ना कोई ऐसा टूल यूज करेंगे जो कि हमें मैयर करके बता सके कि आइदर द पर्सन इज़ हैविंग द ईटिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम और नॉट आइर इट इज द बोलेमावोसा और आइदर इट इज द एनोरेक्सिया सो देयर इज द रेंज ऑफ टेस्ट विच वी कैन यूज उनमें से दो टेस्ट जो हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे नंबर वन इज़ द कम्पल्सिव ईटिंग स्केल एंड नंबर टू इज द इटिंग डिसडर एग्जामिनेशन क्वेश्चन एयर शॉर्ट फॉर्म ठीक है तो ये दो जो हैं स्केल्स हम उनको देखेंगे कि वट दे आर टैलेंगर्स तो पहला जो है दैट इज द कम्पल्सिव ईटिंग स्केल ये एक छोटा स्केल है अगर आप इसके टोटल आइटम देखो तो ये एट आइटम स्केल है ठीक है अब इसके अंदर आपने क्लाइंट से पूछना होता है उसके डिफरेंट ईटिंग बिहेवियर्स के बारे में जो कि कंपल्सिव ईटिंग बिहेवियर के बारे में है फॉर एग्जांपल ईट बिकॉज यू आर फीलिंग लोनली तो इसका मतलब ये है कि द, द, द क्लाइंट इसको पूछने का मतलब बेसिकली ये है कि यू नीड टू बी फाइंड आउट कि एट वट टाइम क्लाइंट इज़ फीलिंग अ नीड टू ईट अब उसने उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है जैसे ए के ऊपर नेवर, बी के ऊपर वंस और ट्वाइस अ ईयर सी वंस अ मंथ वंस अ वीक मोर देन वंस अ वीक अब मेनली अगर आप ये देखो तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक ये भी बताएंगी कि जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है वो कितना स्वेयर है माइल्ड है मॉडरेट है स्वेयर है या एक्सट्रीम फॉर्म में है इसी तरह जिस तरह आप इधर आइटम नंबर सिक्स देखें गो आउट विथ फ्रेंड्स फॉर द पर्पज ऑफ ओवर स्टफिंग योर सेल्फ विथ फूड ठीक है अब इसमें भी उसने ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है अगर वो कहेगा कि वंस अ मंथ तो वो उसे क्लिक कर देगा अगर वो कहेगा मोर देन वंस अ वीक तो उसको जो है वो मोर देन वंस अ वीक उसको यूज uh, जाता होगा वो बाहर ठीक है तो वो उसको क्लिक कर देगा दैन गेट आउट ऑफ बेड गो इन टू द किचन

अपने वेट के रेफरेंस में और वो पर्जिंग बिहेवियर एक्सप्रेस नहीं कर रहा और वो इसको क्लिक कर रहा है तो इट इज़ पर्टिकुलरली नॉर्मल थिंग तो ऑलवेज सी अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चे इस किस्म की आइटम्स पढ़ते हैं ख़ासतौर पे जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जब देखते हैं और वो फिर इन्हीं बिहेवियर्स को अपने इन्वामेंट में एक्जिबिट होता देखते हैं तो वो उनको बड़े आराम से लेबल कर देते हैं तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि अगर किसी को ये हैबिट है लेकिन उसको साथ उसको किसी किस्म के वीट इश्यूज नहीं है कोई परजिंग बिहेवियर का प्रॉब्लम नहीं है तो आपने उसे बुलमा नर्वोसा का डायग्नोसिस नहीं देना यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग देन ईटिंग डिसऑर्डर एग्जामिनेशन शॉर्ट फॉर्म अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये ट्वेल्व आइटम स्केल है ये भी शॉर्ट स्केल uh, है और इसका नाम भी बेसिकली शॉर्ट वर्जन ही है तो इसके अंदर आप क्लाइंट का नेम पूछेंगे डेट पूछेंगे वेट पूछेंगे हाइट पूछेंगे इसके बाद आप ये पूछेंगे कि ऑन हाउ मनी ऑफ द पास्ट सेवन डेज ठीक है बजाय इसके कि आप हर स्टेटमेंट के साथ पूछो आपने क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्शंस देनी है कि उसने लास्ट जो सेवन डेज थे उसके बारे में हमें अकाउंट देना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हैव यू बीन डेलीबरेटली ट्राइंग टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड यू ईड टू इन्फ्लुंस योर वीट और शेप वेदर और नॉट यू हैव सक्सीडेड ठीक है सर्टन टाइम लोग ये कहते हैं मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो दैट इज़ नॉट द इंट्रस्ट ऑफ ओवर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या उसने आफर्ट पुट की थी या नहीं की थी अगर की थी तो पिछले सात दिनों में कितनी बार की ठीक है तो वहाँ पर हम उसको सर्कल कर सकते हैं यानी जो भी क्लाइंट आपको रिपोर्ट करेगा उसके मुताबिक इसी तरह हैव यू हैड अ स्ट्रोंग डिज़ायर टू लूज वेट अगर वो है तो उसके बारे में भी आपने वो जो भी रिपोर्ट करेगा उस पर उसको आपने क्लिक कर देना है अब द पॉइंट इज के दोबारा से मैं ये कहूँगी कि लूजिंग वेट जो है या जो डाइटिंग है वो सर्टन टाइम हेल्दी वेट को और हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है तो यू ऑलवेज नीड टू बी कीप द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट तो ऐसे नहीं करना कि आपने किसी को मिस डायग्नोस कर दें या किसी को लेबल कर दें विद आउट फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट जो है एविडेंसेस इसी तरह हैव यू हैड अ सेंस ऑफ हैविंग अ लॉस कंट्रोल ओवर योर ईटिंग ठीक है यानी वही बात जो हम कहते हैं कि ये अनकंट्रोलेबल ईटिंग होती है और ये एकदम से जो है बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और ये कोशिश भी करते हैं तो ये खुद को नहीं रोक पाते तो अगर ऐसा बिहेवियर भी है उनका तो जहाँ पर वो उसको मार्क करेंगे उस तरह वो उसको मार्क कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चीज़ देखें तो नॉट एट ऑल स्लाइटली मॉडरेटली मार्कली इसका क्या मतलब है कि जो रेटिंग स्टाइल है वो आपका नीचे चेंज हो रहा है हेज़ योर वेट और शेप इन्फ्लुएंस्ड हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एज़ अ पर्सन तो आप वो बताएगा आपको कि हाँ कितना वो सोचता है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है मॉडरेटली इफेक्ट करता है तो वो उसको यहाँ पर रीड कर सकता है बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट आपके पास टोटल स्कोर हो जाएगा टोटल स्कोर की बेसिस के ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर है या नहीं है नो डाउट साइकोलॉजिकल असेसमेंट को करने का मकसद यही होता है कि हमें फ़ौरी तौर पर पता चल जाता है कि क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम है आयदर प्रॉब्लम है या नहीं है हम फर्दर उसको उन्हीं लाइंस पे लेकर चल सकते हैं या वी नीड टू बी थिंक अबाउट समथिंग अदर द पॉइंट इज कि जब भी आप कोई चीज देखो यू नीड टू बी मेक श्योर कि जो डायग्नोसिस है वो डी एस एम फाइव के डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया के ऊपर भी फुलफिल हो रहा है अगर उसके क्राइटीरिया पे फुलफिल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली यू नीड टू बी थिंक अबाउट योर असैसमेंट स्कोर हो सकता है कि अगर स्कोर हाई आ रहा है लेकिन सिम्टम्स आपके पास नहीं आ रही तो सर्टन टाइम ये होता है कि क्लाइंट स्टेटमेंट्स को सही तरह समझ नहीं सका तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपको ऐसी कहीं पे डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है तो यू नीड टू तो बी मेक श्योर कि क्लाइंट को जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली समझ आई हैं थैंक यू